जमीन से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं मुझ जैसे पत्रकार से इंटरव्यू देने के लिए भी ये बिना शर्माए नीचे बैठकर इंटरव्यू दे रही हैं। हम मुलाकात करा गए आपको नॉर्थ नागपुर की MIM कैंडिडेट की टी। मुझे पूरा विश्वास है कि MIM आएगी, क्योंकि देखिए दोनों भी जो पार्टियां हैं, दोनों भी जो पार्टियां हैं वो दोनों से लोग तंग आ गए हैं, वोटर्स तंग आ गए रही हूँ। बहुत से समाज भवन इस तरीके से पड़े हैं जैसे कि खंडर है, ऐसे ग्राउंड है, प्लेग्राउंड है जो कि कचरा घर बने हुए हैं, गार्डन्स जो बनने चाहिए थे वो नहीं बने हुए हैं। सबसे बड़ा मसला भी आप देखिए कब्रिस्तान भी, आज भी लोग कब्रिस्तान को ठीक अच्छे से करने के लिए उसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। उसके बाद में ईदगाह का एक नया प्रोजेक्ट लेके आए थे, उस पर भी स्टे लग गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों में। एक नेता को कैसा होना चाहिए? नेता को कृति डोंगरे जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्या हमें ऐसा कहने के लिए कुछ मिला है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई व्यक्ति जमीन से जुड़ा होता है ना, तो वो लोगों की तकलीफ समझता है और लोगों की समस्या आसानी से हल करता है। कृति डोंगरे एक ऐसी नेता जो हमारे दिव्यांग संपादक को इंटरव्यू देने के लिए प्रचार के दौरान जमीन पर ही बैठ गई बिना शर्माए। आपको बता दें, कृति AIMIM की नॉर्थ नागपुर की विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी है। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आज हम एक ऐसी नेता से मिलाने वाले हैं जो जमीन से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं मुझ जैसे पत्रकार से इंटरव्यू देने के लिए भी ये बिना शर्माए नीचे बैठकर इंटरव्यू दे रही हैं। हम मुलाकात करा गए आपको नॉर्थ नागपुर की MIM कैंडिडेट कीर्ति डोंगरे मैम से। मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसा चल रहा है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद नावेद भाई। और प्रचार तो आप देख ही रहे हैं, हर जगह हर गली उत्तर नागपुर में सिर्फ पतंग ही पतंग चली है। तो बिल्कुल 23 तारीख को भी हमारी पतंग ऐसे ही आसमान में लहराएगी। लोगों के अंदर में परिवर्तन का जो एक जोश आया है कि हमको परिवर्तन चाहिए, तो परिवर्तन के लिए इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग विकल्प मिला है। और जैसे कि हम सबको पता है कि उत्तर नागपुर की ये जो सीट है ये एक समुदाय से नहीं चलती, ये पूरे कॉम्बिनेशन में आती है। तो इस वक्त हमारे मुस्लिम समुदाय के, बौद्ध समुदाय के, SC ST आदिवासी ये सारे संगठित होकर इस सीट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल कोशिश कामयाब होगी, परिवर्तन जरूर होगा। डॉक्टर मिलिंद माने और डॉक्टर नितिन राउत को मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि पिछले जितने साल का टर्म उनको मिला है, दोनों को भी, उस टर्म्स में उन्होंने क्या क्या काम किया ये जनता बखूबी जानती है। और जनता अगर परिवर्तन की बात कर रही है तो इसका मतलब दे आर फेल नाउ, वो फेल हो चुके हैं। मैं तो कहूँगी कि आप रिटायरमेंट लेके आराम से आराम कीजिए, जो नई जनता, जो नए जनरेशन आगे बढ़ रही है उसको आगे आने दीजिए। पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, अपना इंटरेस्ट इसलिए दिखा रहे हैं कि समाज को आज जरूरत है, और अगर जरूरत है, परिवर्तन होना चाहिए, तो मैंने अगर इनिशिएटिव लेके सामने आई हूँ और सब हमारे साथ हैं तो मैं इनसे क्या ही कहूँ, ये फेल हो चुके हैं बस। भाई इतना कॉन्फिडेंस, आप देखिए कैमरा घुमाइए, मेरे आजू बाजू जितने मेरे लोग हैं, मेरे सारे भाई बहन मेरे साथ इस वक्त, इनके आशीर्वाद भी हैं, दुआएं भी हैं, इनका साथ भी है, सपोर्ट भी है, तो इनके वजह से ये कॉन्फिडेंस आया है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई पैसे वाले नहीं है, ये अपने प्यार से, अपने जुनून से, उस जज्बे के साथ आए हैं कि परिवर्तन उत्तर नागपुर में इस बार ज़रूर होना चाहिए और होके रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि MIM आएगी, क्योंकि देखिए दोनों भी जो पार्टियां हैं, दोनों भी जो पार्टियां हैं वो दोनों से लोग तंग आ गए हैं, वोटर्स तंग आ गए हैं। एक विकल्प को ढूंढ रही थी उत्तर नागपुर की जनता, विकल्प अब उनको मिल गया है। अब जब विकल्प मिल गया है, और ये तो मैंने आपको कहा कॉम्बिनेशन का उत्तर नागपुर की सीट है, तो कॉम्बिनेशन तो बन रहा है,
तो मेरे को ये विकल्प भी देना था उत्तर नागपुर को, कैंडिडेट भी उनको अच्छा मिला है, कठपुतली कैंडिडेट नहीं है, उठ बोलेंगे उठेंगे, बैठ बोलेंगे बैठेंगे, ये कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट भी बोलने वाला है, प्रतिनिधित्व करने वाला भी ऐसा होना चाहिए कि आपके क्षेत्र के मसले को वो असेंबली के अंदर बिना डरे बोल सके और अपने काम अपने क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट के लिए वो कर सके। तो उत्तर नागपुर को ये अच्छा स्ट्रांग विकल्प मिला है, चुनाव चिन्ह पतंग है। उत्तर नागपुर के अंदर मैं आपको बताऊँ, जिन गलियों में मैं घूम रही हूँ, बहुत से समाज भवन इस तरीके से पड़े हैं जैसे कि खंडर है, ऐसे ग्राउंड है, प्लेग्राउंड है जो कि कचरा घर बने हुए हैं, गार्डन्स जो बनने चाहिए थे वो नहीं बने हुए हैं। सबसे बड़ा मसला भी आप देखिए कब्रिस्तान भी, आज भी लोग कब्रिस्तान को ठीक अच्छे से करने के लिए उसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। उसके बाद में ईदगाह का एक नया प्रोजेक्ट लेके आए थे, उस पर भी स्टे लग गया है। इसके बाद में शादी खाना है, इतने सारी चीज़ें हैं कि जिसको हमें करना पड़ेगा। एजुकेशन के सिस्टम के अंदर स्कूलें आज बंद हो चुकी है, क्यों भाई क्यों हो गई है? उत्तर नागपुर तो ये बैकवर्ड क्लास में आता है, फिर आपको पता नहीं कि यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ओवरऑल डेवलपमेंट, तो ये प्रायोरिटी रहेगी हमारी और हम इस पर काम करेंगे और हम बिफोर एंड आफ्टर में काम करके दिखाएंगे। बस उत्तर नागपुर की जनता हमारे साथ रहे। असद साहब के बारे में और अकबर साहब के बारे में तो पूरा भारत जानता है। असद साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हैदराबाद के सांसद हैं और एक बैरिस्टर हैं। उन्होंने हमेशा जो बात की है, जिनके ऊपर जुल्म होता है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ हो या फिर उच्च वर्ण के लोग हो, जिनके ऊपर भी अन्याय हो रहे हैं, उस अन्याय के लिए उन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। अकबर साहब एक आमदार हैं हैदराबाद के, तो आप सबको पता है कि उनका काम करने का तरीका कैसा है। उन्होंने मेडिकल में काम किया है, उन्होंने स्कूल एजुकेशन के इसमें काम किया है और हम भी इसी तरीके उनके नक्शे कदम पे चल के उत्तर नागपुर को भी उसी तरीके से डेवलप करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कीर्ति डोंगरे मैम, तो उम्मीद करते हैं आज की ये खबर आपको पसंद आई होंगी। धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।